हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रानी की रसोई में। तो चलिए आज बनाते हैं सेजवान आलू सैंडविच। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए गैस पे चढ़ाएंगे एक पैन और पैन में डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को हल्का सा चटकने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और इन मसालों में डालेंगे 1 से 2 चम्मच पानी। पानी डालने से मसाले जलेंगे नहीं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए 2 से 2.5 मिनट तक और फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। 2 से 2.5 मिनट बाद हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू को इस तरीके से मैश करके डालेंगे। आलू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट तक और पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। ये मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 बड़ा चम्मच सेजवान चटनी। मैंने ये सेजवान चटनी घर पे बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मसाले को अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब हम चलते हैं सैंडविच बनाने। इसके लिए लेंगे एक ब्रेड के स्लाइस और उस पर अच्छे से टमाटो केचप लगा लेंगे। आप चाहें तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं। टमाटो केचप लगाने के बाद इसके ऊपर से रख देंगे 2 चम्मच आलू की फिलिंग्स और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आलू की स्टफिंग के ऊपर से रख देंगे 2 टमाटर की स्लाइसेस। अब हम ले लेंगे एक दूसरा ब्रेड और उसके ऊपर 1 चम्मच सेजवान चटनी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ब्रेड पे सेजवान चटनी लगाने के बाद इसके दूसरे ब्रेड पे रख देंगे। सेम तरीके से हम बाकी के सारे सैंडविच को बना लेंगे। ये हमारे सारे सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो चलते हैं अब हम इसे सेकने। इसके लिए गैस पे चढ़ाएंगे एक तवा और उसे गर्म होने देंगे। तवा गर्म होते ही इसके ऊपर से लगा देंगे थोड़ा सा बटर। आप बटर का यूज ज़्यादा ना करें, नहीं तो सैंडविच सौगी हो जाएंगे। अब हम तवे पे रख देंगे सैंडविच और इसके ऊपर वाले हिस्से में भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे। बटर लगाने के बाद हम इसे दोनों तरफ से पलट पलट के गोल्डन होने तक सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये हमारा सैंडविच सिक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम तरीके से हम बाकी के सारे सैंडविच को सेक लेंगे। ये हमारे सारे सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी है। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।